नमस्कार दोस्तों, स्कॉटलैंड के खिलाफ श्रीलंका की शानदार जीत के बाद बदल गया ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबलों का पूरा पॉइंट्स टेबल। जीत के बाद श्रीलंका की टीम को पॉइंट्स टेबल में हुआ काफी बड़ा फायदा और ये छह टीमें पहुंची सुपर सिक्स में। तो क्या है पूरा पॉइंट्स टेबल बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इस बार का ओडीआई वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतेगी आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबलों का 19वां मुकाबला श्रीलंका और स्कॉटलैंड की टीम के बीच खेला गया, जहां स्कॉटलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही और श्रीलंका की टीम ने 10 विकेट खोकर 245 रन बना डाले। और वहीं श्रीलंका की टीम की तरफ से ओपनर बल्लेबाज निशलंका ने सबसे ज्यादा 75 रनों की पारी खेली और स्कॉटलैंड की टीम की तरफ से क्रिस ग्रेविस ने सबसे 4 विकेट चटकाए और जवाब में 246 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्कॉटलैंड की टीम की शुरुआत भी बेहद ही खराब रही और श्रीलंका की टीम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए स्कॉटलैंड की टीम को 163 रनों पर ढेर कर दिया और श्रीलंका ने 82 रनों से इस मुकाबले में जीत हासिल कर ली। तो चलिए नजर डालते हैं श्रीलंका की जीत के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबलों के दोनों ग्रुपों के पॉइंट्स टेबल पर। वहीं दोस्तों ग्रुप ए में नंबर 1 पर जिम्बाब्वे की टीम है, जो 4 मुकाबले खेली और 4 मुकाबलों में जीती है और पॉइंट्स टेबल में 8 अंक है। उसके बाद नंबर 2 पर नीदरलैंड की टीम है, जो 4 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीती और 1 मुकाबला हारी है और पॉइंट्स टेबल में 6 अंक है। वहीं नंबर 3 पर वेस्टइंडीज की टीम है, जो 4 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीती और 2 मुकाबले हारी है और पॉइंट्स टेबल में 4 अंक है। वहीं नंबर 4 पर नेपाल की टीम है, जो 4 मुकाबलों में 1 मुकाबला जीती और 3 मुकाबले हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में 2 अंक है। वहीं नंबर 5 पर यूएसए की टीम है, जो 4 मुकाबले खेली और 4 मुकाबलों में हारी है और पॉइंट्स टेबल में 0 अंक है। उसके बाद ग्रुप बी में नंबर 1 पर श्रीलंका की टीम है, जो 4 मुकाबले खेली और 4 मुकाबलों में जीती और पॉइंट्स टेबल में 8 अंक है। उसके बाद नंबर 2 पर स्कॉटलैंड की टीम है, जो 4 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीती और 1 मुकाबला हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में 6 अंक है। वहीं नंबर 3 पर ओमान की टीम है, जो 4 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीती और 2 मुकाबले हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में 4 अंक है। वहीं नंबर 4 पर आयरलैंड की टीम है, जो 3 मुकाबले खेली और 3 मुकाबलों में हारी है और पॉइंट्स टेबल में 0 अंक है। उसके बाद नंबर 5 पर यूएई की टीम है, जो 3 मुकाबले खेली और 3 मुकाबलों में हारी और पॉइंट्स टेबल में 0 अंक है। और दोस्तों दोनों ग्रुपों की टॉप 3 टीम सुपर सिक्स में पहुंच चुकी हैं। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।